राजस्थान के बारां अंता के निकटवर्ती खजुरना कला में करंट की चपेट में युवक की मौत। मामले में बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा अस्पताल के सामने रोड जाम करते हुए मुआवजे की मांग की गई। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश करते हुए जाम को हटवाया गया। बता दें कि गुरुवार साय को खजुरना कला ग्रेड पर प्राइवेट कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से गोलू नामक युवक की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा करते हुए शव को लेकर आई विद्युत विभाग की गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई तथा शव को गाड़ी में डालकर खजुरना ले गए, जिसके बाद अंता मोचरी में लाया गया। शुक्रवार को सवेरे बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने रोड को जाम किया गया, जिसे बाद में थाना अधिकारी रामलक्षण गुर्जर द्वारा समझाइश करते हुए हटाया गया। युवक की मौत का कल बिजली ये बिजली के लाइन से चिपक के, जैसा कि इनके परिजन बोल रहे हैं, ऐसी सूचना मिली थी रात को, और उसके बाद इसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आए थे। और साथ ही यहाँ पर लगभग 100 से 150 लोगों की यहाँ भीड़ थी, जिनके परिजनों से भी बात की और इनके समाज के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे बात की, और हर संभव प्रशासनिक सहायता, पुलिस सहायता एवं बिजली विभाग के माध्यम से जो भी सहायता इनको दी जाएगी, उनमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का इनको आश्वासन दिया। इसके अलावा अगर बिजली विभाग की गलती के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसमें बिजली विभाग के एक्सीएन लेवल के जो कर्मचारी अधिकारी है उनके द्वारा जाँच की जाएगी। 4 अधिकारियों की जांच कमेटी बैठेगी, उसके माध्यम से सरकार की तरफ से जो इनके 5 लाख रुपए बिजली विभाग की गलती की वजह से जो मिलते हैं, अगर मृत्यु होती है तो वो मिले जाएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के जो भी पैसे 10 लाख सरकार देती है वो देंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की जो जाँच है उनको त्वरित गति से कार्य करने का, और जितने भी प्रकार की इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनका जो प्रोसेस है वो त्वरित गति से करने का आश्वासन दिया है। इससे परिजन संतुष्ट हुए और उसके बाद पीएम किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।